गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि है हमारे 12th स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली आपकी एनसीईआरटी की बुक में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण की संरचना। आपने मेरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसका जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि मेल के पास टेस्टिस यानी वृषण, वन पेयर, एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये इसके प्रमुख अंग हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी संरचना, एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना, और इसकी हिस्टोलॉजी यानी कौन कौन से टिश्यूज, सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको बता दूं एक छोटा सा रिमाइंडर कि आपको पता है, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र की वीडियो को देख लें, ताकि ये टॉपिक आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेल में हमें पता है कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ये हो गए वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ये एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। जब हम इन्हें सिंगुलर में लिखते हैं तो स्पेलिंग होती है TESTIS, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, और जब इन्हें हम प्लूरल में लिखते हैं तो स्पेलिंग होती है TESTES, जैसे कि ऊपर लिखी हुई है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टिस सैक के अंदर पाए जाते हैं, एक थैली जैसी होती है स्किन की बनी, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस सैक, और इसी थैली का दूसरा नाम होता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम कहें या टेस्टिस सैक कहें, इन्हीं के अंदर दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं मेल की बॉडी के अंदर, और ये मेल के प्रमुख जनन अंग यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर दो प्रमुख काम हो रहे हैं। पहला काम है टेस्टिस का स्पर्म का निर्माण करना, यानी कि शुक्राणुओं को बनाना, और टेस्टिस के अंदर ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के अंदर हो रही है, इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मेल का जो प्रमुख हार्मोन होता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टिस के अंदर ही बनता है। अब ये कहां पर होती हैं प्रक्रियाएं दोनों, इनके बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूं। तो अभी के लिए हम ये जानते हैं कि टेस्टिस को हमने मेन ऑर्गन क्यों कहा। टेस्टिस को मेन ऑर्गन इसलिए कहा क्योंकि टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और इसी मेल हार्मोन की वजह से पुरुषों के अंदर सारे लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जो मेल फीमेल होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है कि मेल में दाढ़ी मूछ पाई जाती है, उनकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, उनके शोल्डर चौड़े होते हैं। ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, और इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसी हार्मोन की वजह से आते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये हार्मोन हमारा कहां बनता है, इसी टेस्टिस के अंदर बनता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई स्पर्म का प्रोडक्शन। आपको बता दूं कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, और प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये भी टेस्टिस में हो रही है। इस वजह से टेस्टिस को हमने कहा कि टेस्टिस आर द मेन ऑर्गन्स, मेन्स सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और मेल। तो पुरुष में प्रमुख जनन अंग कौन से होते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अब अगली बात ये जान लें कि टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों पाए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर की कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर होते हैं, टेस्टिस सैक के अंदर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लगभग 2-3 डिग्री कम होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर हमको चाहिए वो बॉडी के अंदर थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से टेस्टिस बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। एक और बात यहां पर बता दूं कि जब एम्ब्रियो अपनी माता के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, कोई भी एम्ब्रियो, कोई भी शिशु अपनी माता के गर्भ में जब पल रहा है, तो जो 7th मंथ होता है, 7वां महीना, उस समय जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा से निकलकर बाहर टेस्टिस सैक के अंदर आ जाते हैं। उससे पहले ये एब्डोमेन में ही होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि 7th मंथ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, गर्भावस्था के समय 7वें महीने में जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे उतरकर आ जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई टेस्टिस के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम जानते हैं टेस्टिस की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी को। देखिए स्टूडेंट्स, मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो अभी भी आपको बताया गया टेस्टिस सैक के अंदर है। टेस्टिस की जो लंबाई होती है लगभग वो होती है 4-5 सेंटीमीटर, और इसी तरह से जो चौड़ाई होती है वो होती है 2-3 सेंटीमीटर। तो लंबाई एक टेस्टिस की नॉर्मली क्या है, 4-5 सेंटीमीटर।
चौड़ाई है 2 to 3 सेंटीमीटर और इसका जो वेट होता है वो अबाउट 14 to 15 ग्राम होता है। एक टेस्टिस का जो वेट है वो 14 टू 15 ग्राम है और इसका जो कलर होता है वो होता है पिंकिश व्हाइट यानी कि गुलाबी सफेद सा। तो ये तीनों चीजें जो मैंने बताई इनको आप याद रखें, लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर और कलर सॉरी वेट जो है 14 to 15 ग्राम है और कलर मैंने आपको बताया इसका पिंकिश व्हाइट गुलाबी सफेद सा कलर होता है टेस्टिस का। अब टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो आप देखिए ये टेस्टिस हो गया और टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। तो ये टेस्टिस का मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। तो ये हो गया टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर ये हो गई एपिडिडाइमिस और ये हो गई एपिडिडाइमिस से निकलने वाली ट्यूब जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स वॉस डिफरेंस। इन तीनों चीजों को यहां पर मैंने आपको दिखाया और इसी का हमने सेक्शन काटा है एलएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इसी को खड़ी काट में हमने यहां पर दिखा दिया। तो टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस इन तीनों को इस डायग्राम में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडाइमिस यहां तक और यहां से ये क्या निकला हुआ है वॉस डिफरेंस। तो ये मैंने आपको छोटा सा डायग्राम इसलिए बना के दिखाया ताकि आप ये समझ पाए कि हम बड़े डायग्राम में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे टेस्टिस की एनाटॉमी, उसकी हिस्टोलॉजी, आंतरिक संरचना और उसके टिश्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खास पॉइंट हमारे इस वीडियो का। तो आप देखें कि ये जो टेस्टिस है उसको हमने एलएस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में खड़ी काट में यहां पर बनाया हुआ है। टेस्टिस के अंदर से लेकर बाहर तक कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेस्टिस के बाहर की लेयर्स की। तो आप देखिए ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की है ये पर्पल कलर से, तो ये टेस्टिस का एक पार्ट है सबसे बाहर का। इसकी सबसे बाहर की जो लेयर है ये, इसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में और नीट में पूछे जाते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड, ये जो मैंने रेड कलर से डबल लेयर दिखाया है यहां पे, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ये टेस्टिस हो गया पूरा स्ट्रक्चर और ये ट्यूनिका वेजिनालिस हो गई। ट्यूनिका वेजिनालिस के ठीक नीचे एक दूसरी लेयर होती है जिसे हम लोग यहां पर मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ट्यूनिका एल्बिजिनिया। तो बाहर वाली सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका वेजिनालिस के नीचे होती है ट्यूनिका एल्बिजिनिया। अब एक थर्ड लेयर है जो इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, मैंने ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसी में ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं जो टेस्टिस में आती हैं। अब ये जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा है ये अंदर जाकर कुछ बीच बीच में सेप्टा यानी पट जैसे बना रही है, इन सेप्टा को हम कहते हैं सेप्चुलर टेस्टिस। ये अब हुआ क्या कि जैसे ही ये सेप्टा बने तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चैंबर बन गए और वो बहुत सारे जो चैंबर बने हैं उनकी संख्या लगभग लगभग होती है 250 से लेकर 300 के बीच में। ओके, अबाउट 200 होती है, कभी कभी ज्यादा हो सकती है। तो ये जो टेस्टिस के अंदर कई सारे चैंबर्स आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, इन चैंबर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो हमारा थर्ड वाला लेयर है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये अंदर मुड़ गई और इसने क्या बनाया सेप्टुलर टेस्टिस। इसकी वजह से टेस्टिस के अंदर कई सारे चैंबर्स बन गए और इन चैंबर्स की संख्या मैंने आपको बताई 250 to 300। ये जो चैंबर्स बनते हैं इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सबसे खास नाम है यहां पर। तो आपने क्या क्या देखा एक बार रिपीट करते हैं हम। सबसे बाहर क्लियर ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस के नीचे जो ये वाली लेयर है दैट ऑरेंज कलर पार्ट, इस लेयर का नाम क्या है ट्यूनिका एल्बिजिनिया और ट्यूनिका एल्बिजिनिया के नीचे है थर्ड लेयर जो ग्रीन कलर से दिख रही है डार्क ग्रीन से, दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब ट्यूनिका वैस्कुलोसा ने अंदर मुड़कर कई सारे चैंबर्स बना दिए और उन चैंबर्स को हमने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या लगभग लगभग होती है 250 के आसपास। तो दोनों टेस्टिस में मिलाकर हो गई लगभग 500 के आसपास। अब ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनमें मैंने यहां पर थोड़े दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4 क्योंकि पूरे 250 बनाना पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी इस पूरे टेस्टिस के स्ट्रक्चर में, ये रेड कलर की ट्यूब जो मैंने यहां पर दिखाई है दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हिंदी में आप इसे कहेंगे शुक्रजन नलिका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स। तो स्पर्म्स बनने की वजह से, शुक्राणुओं का जनन होने की वजह से इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रजन नलिका, इंग्लिश में आपने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर, जैसे मैंने इसमें दो बना दी, इसमें थ्री बना दी, यहां पर भी थ्री बना दी, तो ये बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड यानी बहुत ज्यादा कुंडलित अवस्था में रहने वाली ट्यूब्स होती हैं और इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर जो बहुत ही ज्यादा कुंडलित अवस्था में रहती है और इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पर्म। इसको हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां तक आपने समझ लिया, जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये बाहर आती हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये यहां तक चैंबर के अंदर है, फिर चैंबर से बाहर आ गई, बाहर आने के बाद ये सीधी हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये कुछ सीधी सीधी से दिख रही हैं, इनको कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। सीधी सीधी नलिकाओं को हम बोल देंगे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। और फिर इन चैंबर्स के बाहर सारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल आपस मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। एक खास पॉइंट है, ये सारे बाहर आने के बाद में एक नेटवर्क बना रहे हैं और इस नेटवर्क को, इस जाल को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस या वर्षण जालिका। तो ये रेटे टेस्टिस क्या है, जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर आई, किससे बाहर आई, टेस्टिकुलर लोब्यूल से, तो पहले तो वो सीधी हो गई, उसने क्या बनाया, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाए और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स ने आपस मिलकर एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे नीट के एग्जाम के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये पूरा रेड कलर का सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है, ये टेस्टिस से बाहर जाएंगे इपिडिडाइमिस की तरफ, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी ट्यूब्यूल बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं सीधी सीधी ट्यूब्स हैं, इनका नाम है वॉसा इफ्रेंशिया, वॉसा इफ्रेंशिया। तो ये सीधी सीधी होने के बाद में कहां पहुंच गए, इपिडिडाइमिस में पहुंच गए। तो ये टेस्टिस था और अब ये हो गया इपिडिडाइमिस। अब यहां समझने वाली बात है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्म कहां बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद जब वो मैच्योर होते हैं तो यहां पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं इपिडिडाइमिस में। अब ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक का है इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस के आगे ये किस में बदल गया, वॉस डिफरेंस में। तो ये जो इपिडिडाइमिस है वहां पर उसका काम क्या है, मैच्योर स्पर्म्स को कलेक्ट करना, और ये एक ट्यूब जैसी होती है जो इसी टेस्टिस के ऊपर इस तरह से लगी रहती है। इसको हिंदी में कहते हैं अधिब्रषण, क्योंकि ब्रषण माने टेस्टिस और ब्रषण के ऊपर है तो अधिब्रषण कह दिया। इंग्लिश में आपने कहा इपिडिडाइमिस। तो अब ये जो इपिडिडाइमिस है स्टूडेंट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। इसका जो ऊपर का हेड वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैपेट इपिडिडाइमिस, फिर जो मिडिल वाला पार्ट होता है यहां पर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस इपिडिडाइमिस, और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉडा इपिडिडाइमिस। तो तीन पार्ट्स देखे हमने इपिडिडाइमिस के, ऊपर वाला कैपेट इपिडिडाइमिस, बीच वाला कॉर्पस इपिडिडाइमिस और सबसे नीचे वाला कॉडा इपिडिडाइमिस। और आपको बता दूं कि कॉडा इपिडिडाइमिस से ही निकलती है वॉस डिफरेंस। ये भी क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है कि वॉस डिफरेंस इपिडिडाइमिस के किस पार्ट से निकल रही है, तो वॉस डिफरेंस इपिडिडाइमिस के लोअर मोस्ट पार्ट से यानी सबसे नीचे के पार्ट से निकल रही, दैट इज कॉल्ड कॉडा इपिडिडाइमिस। तो ये हो गया इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस से क्या निकल कर आया, वॉस डिफरेंस। अब आपको पता है कि आगे जाकर वॉस डिफरेंस हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और सेमिनल वेसिकल में खुलेगी। ये सारी बातें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर हम सिर्फ टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा और थ्योरी क्या है इसकी, ये भी आपने क्लियरली समझ लिया होगा। अब ये जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में डिटेल समझने के लिए हमने यहां पर एक दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है जो कि है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो अब हम बात करेंगे टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में डिटेल में और इस डायग्राम की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते हैं इस वाले डायग्राम पर। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होती है। जब इस तरीके से हम टीएस में काटेंगे, सेक्शन में काटेंगे, तो होगा क्या कि दो तीन ट्यूब्यूल्स एक साथ कट के हमें सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे क्योंकि एक साथ रहती हैं। तो जब इसे हमने कट किया तो आपने देखा कि एक को तो हमने पूरा पूरा दिखा दिया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को गोल गोल, और ये जो साइड में कटी हुई सी आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आसपास वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक और चीज, बीच का जो ये खाली जगह आप देख पा रही है, इनके बीच बीच में जो खाली गैप है उसको भी यहां पर मैंने येलो कलर से ये दिखाया हुआ है। तो ये जो बीच का स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं इस पे बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर हमने एक सेक्शन को डिटेल में दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो गया हमारा टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो यहां पर बहुत ज्यादा क्वाइल्ड कंडीशन में है, मुड़ी हुई अवस्था में है, इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें स्पर्म बनते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें तो आपको इसके नाम याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु, और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर हो रही है, कैसे होती है आइए देखते हैं।
देखिए ये जो हमारा टेस्टिस की सबसे सेमिनिफेरस टिब्यूल के सबसे बाहर की आउटर मोस्ट जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया जो है वो सबसे बाहर की लाइन है, आउटर मोस्ट लेयर है, मेम्ब्रेन है, किसकी, सेमिनिफेरस टिब्यूल की। इसके ठीक बाहर पतले पतले कुछ फाइबर जैसे पाए जाते हैं जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाने की कोशिश की है, और इनको हम लोग कहते हैं फाइबरस शीथ। तो यहाँ पर लिखा है फाइबर शीथ, तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम ट्यूनिका प्रोप्रिया और इसके बाहर ये जो आप शीथ देख रहे हैं पतले पतले फाइबर जैसे, ये क्या है, फाइबर शीथ। अब आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे किनारे की तरफ आप जो देख पा रहे हैं लाइन बनी हुई है ब्राउन कलर की सेल्स से, इनको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है जर्म सेल यानी जनन कोशिकाएं, और उन जर्म सेल्स का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर स्पर्म बनाएंगी। तो हमने क्या देखा कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के सबसे किनारे पर जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जनन स्तर पाया जाता है, और जनन स्तर पे जो सेल्स होती हैं वो जर्म सेल्स होती हैं यानी जनन कोशिकाएं जो जनन करेंगी यानी कि स्पर्म बनाएंगी, और उन जनन कोशिकाओं का जर्म सेल्स का जो नाम है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है किनारे किनारे लगी हुई है, कुछ टाइम के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे स्पर्मेटोसाइट। तो आप देखिए इसके नीचे हमने दूसरे टाइप की सेल्स बना दी पर्पल कलर से जिनका नाम क्या लिख दिया यहां पर, स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोसाइट बना। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट होती है पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये सारी बातें डिटेल में हमने की हैं अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप देख लेंगे तो ये टॉपिक और अच्छे समझ में आएगा, दोनों को आप रिलेट कर पाएंगे। तो क्या देखा आपने, सबसे बाहर है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोसाइट बना। अब स्पर्मेटोसाइट के बाद यहां पर कुछ आपको रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटोसाइट ने आगे जाकर क्या बनाया, स्पर्मेटिड बना लिए, और स्पर्मेटिड से क्या बन गए, ये जो आप स्पर्म जैसे देख रहे हैं इनको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट हो गए किसमें, स्पर्म में। ओके, तो एक सीक्वेंस है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर सेल्स का, एक सीक्वेंस है जो लगभग हर जगह पर मैंने एक सही बनाया हुआ है। सबसे किनारे की तरफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में। तो हर जगह पर आप देख सकते हैं किनारे की तरफ सबसे बाहर क्या है, सीक्वेंस को याद कर लें, इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सबसे बाहर की तरफ का जो लाइनिंग है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, उसके नीचे पर्पल कलर वाली स्पर्मेटोसाइट, उसके नीचे ऑरेंज कलर वाली या रेड कलर से मैंने बनाई दैट इज स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के नीचे क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ। इस सीक्वेंस से ही हो रहा है स्पर्म का निर्माण। तो जब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को हम देखेंगे कि इसी क्रम में स्पर्म बनता है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, और फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर सेल्स भी हमने देखी और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को भी समझ लिया। अब होता क्या है, ये जो स्पर्म बने हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ कह रहे हैं, ये यहां किनारे पर कुछ बड़ी बड़ी से आपको सेल्स दिख रही हैं रेड कलर से, इन सेल्स का स्टूडेंट्स नाम होता है सर्टोली सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, सर्टोली सेल्स। ये जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे ये सर्टोली सेल्स के किनारों पर जाकर चिपक जाएंगे, सर्टोली सेल्स के किनारों पर जाकर चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे। तो एग्जाम में पूछा गया कई बार सर्टोली सेल्स का काम क्या है, तो स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देना या पोषण देना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, यहां बाहर वाली में भी मैंने थोड़ी थोड़ी दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो गए सर्टोली सेल्स, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्पर्म है ये इससे आकर चिपक गए हैं और इन्हीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो आई होप अंदर का सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिविजन करते हैं, हमारा जो सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शन है TS है, इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसके बाहर एक फाइबर की पतली पतली से लेयर है दैट इज द फाइबर शीथ। इसके अंदर सबसे किनारे की तरफ पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जनन स्तर, जिसमें होती हैं जर्म सेल्स जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स से किनारों पर जो पाई जा रही है चिपक कर उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं बाहर के खाली स्पेस में। तो आप देख पा रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के आसपास खाली स्पेस है जिसको हम कह रहे हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। इस स्पेस में क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज येलो कलर से बना है कनेक्टिव टिश्यू। तो बीच का जो एरिया है वहां पर खाली कुछ टिश्यूज हैं जिनको हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है ब्लड वेसल्स। तो ऑब्वियसली ब्लड की सप्लाई होने के लिए क्या पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स भी पाई जाएंगी, रक्त वाहिनियां जिनको कहते हैं हिंदी में आप, तो दीज आर द ब्लड वेसल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मुझे बतानी है वो ये है
आप यहाँ पर कुछ सेल्स के ग्रुप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, मैंने कई जगह पर ग्रुप्स दिखाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टीटियल सेल्स, हिंदी में अंतराली कोशिकाएं, और इनका एक और नाम है जो ज्यादा पॉपुलर है, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स पाई जाती हैं बीच बीच के खाली स्पेस में, और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यही लेडिक सेल्स मेल का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, सेक्रेशन करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन कहां से होता है। आपका आंसर होगा इंटरस्टीटियल सेल्स से या फिर लेडिक सेल्स से। इसको दूसरे वे में पूछते हैं कि लेडिक सेल्स का कार्य बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स, तो आपका आंसर क्या होगा, लेडिक सेल्स का फंक्शन होता है मेल का प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के अंदर सारे कैरेक्टर उसी की वजह से आते हैं, पुरुषों में जितने लक्षण हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उनका दाढ़ी मूंछना, उनका आवाज भारी होना, शरीर पर बाल होना, ये सारे जो लक्षण हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर आपको इस डायग्राम के बारे में बता दी, इसके किसी भी नाम में आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी, और टेस्टिस के एलएस के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो आई होप आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी सवाल है उनको रिप्लाई करने की। तो चलिए यहां पर इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।